ये मलेशिया से फ्लाइट आ रही है, पहले लखनऊ गई है, वहाँ से कुछ पैसेंजर उतार के जब तक हमको इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से ये 97 पैसेंजर्स आ रहे हैं। तो ये टोटल पंजाब के हैं और क्या सुविधा है इनके लिए, कैसे इनको भेजा जाएगा? नहीं सॉरी, 95 पैसेंजर है जो अब तक इन्फॉर्मेशन, लेकिन फाइनल फिगर तो बाद में पता लगेगी। इसमें ज़्यादातर तो पंजाब के ही हैं, लेकिन हरियाणा से, दिल्ली से, गुजरात से, यूपी से कुछ पैसेंजर वहीं भी हैं, चंडीगढ़ के। सब इनको क्वारंटाइन किया जाएगा? ये सभी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। ये अपने बेटे के पास गए थे थोड़ा वैसे ही घूमने के लिए, मगर वो लॉकडाउन के चक्कर में वहाँ फंस गए थे वो लोग। मलेशिया? हाँ मलेशिया गए थे 8 मार्च को गए थे, उसके बाद वो लॉकडाउन हो गया, तब से वहीं फंसे हुए हैं। आज वापस आ रहे, गवर्नमेंट वापस ले, क्या कहना चाहेंगे आपको? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम पंजाब गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बुजुर्ग लोग हैं, काफ़ी एज है, 75+ हैं, और उन लोगों का बहुत दिक्कत हो रही थी, रो रहे थे वहाँ पे, तो आज आ रहे हैं तो सब लोगों को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। उनको क्वारंटाइन में रखा है आप, संतुष्ट होंगे क्वारंटाइन में? हाँ रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं उनको, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, एज का फैक्ट है, और थोड़ा उदास हो जाता है आदमी इतने दिन वहाँ पे रहने के बाद। हर एक आदमी, बच्चा भी हो, बूढ़ा भी हो, बूढ़े हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा है, हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है वो आप आ रहे हैं। तो आपने देखा हमको? हाँ देखा अभी हमने।